हेलो गाइस, वेलकम टू तेज मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे जोकर से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि वेनिस में फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें कि बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं अपनी मूवी के प्रमोशन करती है। उसी के साथ वार्नर वॉर्स अपनी डीसी की अपकमिंग मूवी लेके आया, जिसका नाम था जोकर। काफ़ी लोगों को लग रहा था जो वहाँ पर बैठे हुए थे कि ये मूवी कैसे हिट हो पाएगी, जिस विलन के ऊपर कोई सुपर पावर नहीं, वो अपनी सिर्फ हंसी से और मजाक से कैसे जीत पाएगा लोगों का दिल। तो फाइनली जब ये वेनिस फिल्म फेस्टिवल में मूवी लगी तो एंडिंग में बस ये हुआ, आप समझ जाओगे मैं क्या कहने वाला हूँ, कि लोगों ने स्टैंडिंग ओविशन दी। ये एक ऐसी पहली मूवी थी डीसी की जिसको इतना ज़्यादा सहारा दिया और लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया। डार्क नाइट में जो आपने जोकर देखा था, ये उससे ज़्यादा बेटर बताई जा रही है मूवी। ये ओरिजिन आपको बिल्कुल चेंज कर देगा और थोड़ा इमोशनल भी कर देगा, आपको रोने पर मजबूर भी कर देगा। कुछ ऐसे ऐसे सीन है इस मूवी में जो कि आपको दहला देगा। जी हाँ, डेडलाइन की रिपोर्ट के हिसाब से ये मूवी सुपर हिट गई। इसकी जो कह सकते हो आप क्रिटिक्स भी काफ़ी अच्छी गई, जो कि 85% थी, जो कि डीसी यूनिवर्स में सबसे टॉप की लेवल की मूवी रही है। और देन इसी के साथ इस मूवी को जब थिएटर में लगेगी तो मेरे हिसाब से इसके क्रिटिक्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो फाइनली जो वेट कर रहे थे कि डीसी की जोकर मूवी कैसी जाएगी, तो आप समझ जाइए कि ये मूवी सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है और मैं इस मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ अब तो। और उसी के साथ मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मूवी को हिंदी में रिलीज़ करें, जिससे कि ये इंडिया में और ज़्यादा पॉपुलर हो, क्योंकि हिंदी में रिलीज़ नहीं करेंगे तो इसका बॉक्स ऑफिस बजट भी काफ़ी कम होगा सिर्फ इंडिया की तरफ से। तो गाइस, इंतज़ार करिए जोकर का 4 अक्टूबर को, और मैं तो ये कहूँगा कि देखिएगा ज़रूर, मूवी सुपर हिट है। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली आपको जी वीडियो पसंद आते हो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या दोस्त पर जोकर के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।